बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा, पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत है। अरे अम्मा बिजली की बचत की चिंता मत करो, अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है, और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। वेग विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मां वांकल विरात्रा माता की महिमा और चमत्कार अद्भुत है, जिनके दर्शन वंदन के लिए देश के कोने कोने से भक्तगण कंपनी हाजिरी देने वांकल धाम चौहटन आते हैं। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती कस्बे चौहटन से महज 8 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित मां वांकल विरात्रा का अति रमणीय मंदिर तथा प्रांगण धर्म और अध्यात्म के साथ वापसी आपसी भाईचारे एवं प्रेम का पैगाम देता है। वांकल माता का चमत्कार और पर्चा इतना अद्भुत है कि जो भी कोई यहाँ आकर सच्चे मन से धोख लगाकर मिन्नत मांगता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, जिसके कारण भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से लाखों की तादाद में मां श्रद्धालुओं का यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। नैप्रिय सम्राट की वीर विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मां वांकल विरात्रा धाम में वर्ष में 3 बार मेला लगता है। चैत्र मास, भाद्रपद मास और माघ मास में उजाले पक्ष में एकम से लेकर पूर्णिमा तक मेला लगता है, लेकिन त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक भक्तों का जबरदस्त हुजूम रहता है, जिससे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि अनेक प्रांतों के श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल संघ लेकर भी माँ के दरबार पहुंचकर अपनी हाजिर लगाते हैं। मुख्य सड़कों पर पैदल श्रद्धालुओं का भी रेलम पेल रहता है, और यद्यपि वर्ष प्रयत्न लोग वांकल माता के दर्शन को आते ही रहते हैं। और माघ में ज्यादा भीड़ रहती है, इस साल तो हमेशा तो भादव शुद्धि दूध से मिला, उसी बार तो बदी पक्ष में मेला शुरू हुआ, ज्यादा पैदल संघ आ रही है जबरदस्त। हम मानोगे नहीं कि 3-4 दिन लगातार रात दिन पैदल हम गनिया भी रात गए तो पूरी रोड, बाड़मेर से आप आए होंगे, पूरी रोड भरी हुई है लोगों में, बहुत उत्साह है। और इस बार विशेषकर भादवान मेले में खासकर तो नवे जोड़े और पहला पत्रों अपने सफल जीवन की कामनाएं दूर नए नए बच्चों का उपनय संस्कार करते हैं, और 12 मंदिरों की परिक्रमा करते रात्रि भी समय आप करे है। विशेषकर इस मेले में दुकानों की काफ़ी भीड़ है, हमने छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन की झूले भी लगाए हैं और प्रसाद की व्यवस्था की है। विशेषकर पुलिस, हॉस्पिटल, पानी वाले सभी विभाग, एसटीओ साहब ने विशेष मीटिंग भी रखी थी, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार पूरी व्यवस्था अच्छी चल रही है। यात्रियों के लिए हमने आवास, भोजन, पानी और प्रसाद तो निःशुल्क सेवाएं दे रही है 15 दिन से।